सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। ये अंडा बेचने वाला का बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। लोगों से एक बात कहेंगे, आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपने नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। जब जुटेगा तब न जीतेगा, जब जोड़ोगे तब न जीतोगे। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। ये अंडा बेचने वाला का बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? तो हम लोग मौका दिए हैं। आज राष्ट्राध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे। लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। पार्टी की बात है, जुड़ करके रहना, कोई बात नहीं। नए लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका हम लोग देंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। पार्टी मजबूत इरादे के साथ है और सरकार बनाना है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने? हाँ दिखाओ, बताइए, ईमानदारी से कहिए, चाहते हो कि नहीं चाहते? तो अगर आप चाहते हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो श्रवण कुशवाहा को यहाँ से भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का, आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग ताकत दीजिएगा, तब ना हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम दूसरे समाज को नहीं जोड़ेंगे, दूसरे समाज को सम्मान नहीं देंगे, तो कहाँ से आगे बढ़िएगा, कैसे सरकार लाइएगा? आप सब लोगों से यही अपील करने आए, इधर उधर नहीं देखे के बाप, ये बड़ी लड़ाई है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ईमानदार और बेईमानों से हमारी लड़ाई है। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, पार्टी को सींचिए, पार्टी को सींचेगा तो तब ना हम आप लोग ताकत दोगे तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब हमने बिहार में 5 लाख नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी, तो सबको दिया, जो मेरिट वाला था सबको दिया।